गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फ्लाइंग फैशन एंड व्लॉग्स। गाइज, आज की ये जो मेरी वीडियो है ये एक आउटिंग वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शो करूंगी, आपको दिखाऊंगी। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो भी बैल वाले आइकन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना अपने सगे संबंधियों के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को हैप्पी दिवाली। भैया ये कितने का है? 200। ये है यहाँ पर कुछ वॉल हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम जो कि हम अपने मेन गेट पर या फिर वॉल्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम इनसे डेकोरेट करते हैं। काफ़ी अच्छे कलर वेरिएशन यहाँ पर है। ये ब्यूटीफुल सा आर्टिफिशियल तोरण है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये आपके घर को चार चांद लगा देते हैं। ऐसे डेकोरेटिव पीस तो घर में होने चाहिए। एक तो आप इनको किसी भी पॉट में लगाकर किसी भी कॉर्नर को बहुत ही ब्यूटीफुली जो है डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे मोस्ट ऑफ द फेवरेट आर्टिफिशियल फ्लावर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कितने का है भैया? 120 का पेयर। 100 का। और ये लीव्स वाला कितना? एक ये बेल कितने की है? 100। और ये वाली कितने की है? 250 का जोड़ी। ये भी सुंदर लग रही है। और इस वाली का बताना भैया, ऑरेंज और ये पूरा एक ही है ना? ये दोनों ये और छोटे वाला 250। ये जो वॉल हैंगिंग है या डोर हैंगिंग डेकोरेटिव पीस है, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल भी है। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो इस तरह का आर्टिफिशियल ग्रास और जो फ्लावर है ना, ये इस समय काफ़ी ट्रेंड में है। ये आपके घर को एक डिफरेंट लुक दे देते हैं, एक ग्रीनरी वाला। जो लोग ओरिजिनल प्लांट अपने घर में कैरी नहीं कर सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनकी देखरेख कर सके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी एलिगेंट लुक भी देते हैं। आप इन्हें अपने ऑफिस में, घर में, अपने
अकॉर्डिंग जैसा आपको लगता है कि आपको कैसे डेकोरेट करना है वो कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है घर की डेकोरेशन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। गाइज़ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये है दिवाली की सबसे मेन चीज़ दिए, मिट्टी के दिए जो कि हर जगह ये तो अवेलेबल होते हैं। सिंपल से लेके फैंसी तक आपको मिल जाएंगे, हर तरह के साइज मिल जाएंगे, हर तरह के डिज़ाइन हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस पर ही एक तरह का जो हमें डिज़ाइन चाहिए वो मिलेगा, ये हर जगह आपको अवेलेबल है, आप कहीं से भी इनको ले सकते हैं। मैं दिवाली पर कैंडल से ज़्यादा जो है मिट्टी के दियों को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे इनको डेकोरेट करना, इनसे लाइटनिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैंने कुछ छोटे कुछ बड़े दिए अपने लिए परचेज किए हैं। ये हैंगिंग दिए हैं, हैंगिंग दिया स्टैंड, आप इसको कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, स्पेशली आपकी बालकनी में, आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। ये 120 और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मिट्टी से बनाया हुआ एक प्लेट जिसमें एक थाली हम कह सकते हैं पूजा की थाली, जिसमें दिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, काफी अच्छी और ब्यूटीफुल भी लग रही थी और इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल था, आई थिंक ये 150 का था। और ये वाला क्या है इसका प्राइस? 150 वो हम लोग लगा के पूरा वो करे सब। खुद से बनाया है आपने? तो ये था मेरा दिवाली का आउटिंग व्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।